तो आज की वीडियो डेडिकेटेड है इंडिया के सबसे क्रेजी चैनल के ओनर फुकरा इंसान के ऊपर, जो कि हाल ही में बिग बॉस में सबके फैन फेवरेट निकल के आए हैं। तो देखते हैं कि क्या वो सच में फुकरे हैं या फिर कुछ और। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा पैसा खर्च किए हुए। तो कहानी की शुरुआत होती है 24 मई 1997 को, जब दिल्ली के व्यापारी यानी बिजनेसमैन विनय और डिम्पल मल्हान जी के घर उनके दूसरे पुत्र अभिषेक जी ने जन्म लिया। मल्हान परिवार के वो तीसरे बच्चे हैं। बचपन से ही अपने बड़े भ्राता निश्चय की तरह वो भी काफी शैतान किस्म के बच्चे थे, लेकिन पढ़ने में वो काफी चतुर थे। यानी वो 12th क्लास तक पढ़ने में काफी अच्छे थे, जहां उनके 10th में 9.4 CGPA और 12th में 95% मार्क्स आए। उन्हें लगता था कि उनका एडमिशन SRCC दिल्ली में हो जाएगा, लेकिन उनका बैड लक ही कहें कि उनका वहाँ एडमिशन नहीं हो पाया। इसलिए उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स यानी DCAC में BCOM ऑनर्स के लिए एडमिशन ले लिया, लेकिन 3 महीने के अंदर ही उन्हें वो कॉलेज रास नहीं आया। तो उन्होंने सोचा कि अब वो भी अपने फादर की तरह खुद का ही अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। इसलिए उन्होंने अपने दोस्त अक्षित सिंघल के साथ मिलकर खुद की एक बाथरूम क्लीनिंग से रिलेटेड एक कंपनी स्टार्ट की, जिसका नाम था मिस्टर बॉन्ड। और इस बार किस्मत ने साथ दिया और उनकी ये कंपनी चल पड़ी। अपने हैंड सैनिटाइजर प्रोडक्ट को लॉकडाउन में बेचने से उन्होंने अपने इस बिजनेस से काफ़ी पैसे कमाए। करीब 6 करोड़ रुपए तक कमा लिए थे उन्होंने इस टाइम पे। लेकिन बिजनेस लॉ की जानकारी ना होने के चक्कर में वो जेल जाने से बाल बाल बचे। तो कैसे अभिषेक मल्हान आज फुकरा इंसान बनकर लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं? तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि उनके बड़े भाई यानी ट्रिगर्ड इंसान इंडिया के सबसे बड़े रोस्टर्स में से एक हैं, जिनके बारे में कौन नहीं जानता है। नहीं जानते तो मेरी 3 साल पुरानी वीडियो देख लेना। तो वो शुरू से ही अपने भाई निश्चय को वीडियो बनाते हुए देखा करते थे, जहां आप सभी को पता ही है कि वो रोस्टिंग एंड कमेंट्री से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करते हैं। उन्हें अपने भाई के जैसे यूट्यूबर तो बनना था, लेकिन रोस्ट जैसे कंटेंट में उन्हें लगता था कि वो इस चीज़ में परफेक्ट नहीं है। इसलिए वो यूट्यूब में कुछ थोड़ा हटके करना चाहते थे। उनके भाई उनसे अक्सर पूछा करते थे कि यूट्यूब में क्या करना चाहते हो, तो वो कहते थे कि मैं करूँगा, बट ये तो बिल्कुल नहीं करूँगा जो तुम करते हो। वो शुरू से ही फॉरेन क्रिएटर को देखना पसंद करते थे, जैसे ग्वावा जूस और उनके आइडल श्रीमान जानवर मिस्टर बीस्ट से वो काफ़ी हद तक प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने अपनी पहली वीडियो 1 जुलाई 2019 को ₹10 water वर्सेज ₹100 water वाली बनाई, जो थोड़ा यूनिक भी थी। तो उन्हें शुरू से ही सपोर्ट मिल गया, क्योंकि ट्रिगर्ड इंसान के भाई होने के चलते व्यूज उन्हें आ ही गए। लेकिन वो खुद की आइडेंटिटी से आगे बढ़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अब फूड आइटम से रिलेटेड चैलेंजेस वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। बट समय के साथ साथ ऐसी वीडियो बनाने के चक्कर में उनका वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए उन्होंने अब अपने चैनल का जोनरा ही चेंज कर दिया। अब वो रियल लाइफ चैलेंजेस से रिलेटेड वीडियोस डालने लगे, जैसे एक्सप्लोरिंग मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस, 24 आवर्स चैलेंजेस। लेकिन वो बीच बीच में एक्सपेरिमेंट के तौर पर फैमिली वालों के साथ तरह तरह की वीडियोज़ भी बनाया करते थे, चाहे अपने भाई पे प्रैंक करना हो या फिर मॉम डैड या सिस्टर के साथ कुछ चैलेंजेस लेना हो, जो कि सच में काफ़ी यूनिक थे। सो धीरे धीरे उन्होंने मिस्टर बीस्ट के तर्ज पर ही इंडिया में प्राइज मनी से रिलेटेड चैलेंजेस वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ तक जरूरतमंदों के डोनेशन के लिए उन्होंने पॉपुलर स्ट्रीमर्स से रैंडम डेयर करवा के फंडिंग भी की। वो अब बहुत ही यूनिक तरीके से वीडियोस बनाने लगे, जिसमें डेयर, प्रैंक और चैलेंजेस भी शामिल थे विद प्राइज मनी। समय के साथ उन्हें टीम की जरूरत पड़ने लगी। सो अभी उनके पास 3 टीम है जो वीडियो को डायरेक्ट, स्क्रिप्ट एंड एडिट करते हैं। वैसे कई लोगों को लगता है कि वीडियो में मनी देना सब फेक होता है, लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में सब बताया कि वो एक्चुअली में सब सही होता है, यानी नो गिमिक एंड ऑल। यहाँ तक एक बार उन्होंने हाइड एंड सीक चैलेंज में पूरा एडवेंचर आईलैंड तक बुक करा लिया था। उनके चैलेंजेस वीडियो का बार अब पहले से काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है। उन्होंने यहाँ तक मिस्टर बीस्ट द्वारा दिए चैलेंज, जो कि ओशन के बीच में 24 आवर्स तक सरवाइव करने वाले जैसे टफ वीडियोस वाले चैलेंज भी किए हैं। इवन आज TSM जैसी ई स्पोर्ट्स कंपनी उनसे जुड़ना चाहती है, और अपने जनता के प्यार और सपोर्ट से वो इंडिया के सबसे यूनिक कंटेंट क्रिएटर हैं। और आज वो बिग बॉस में OTT में भी एक कंटेस्टेंट हैं, जिन्होंने साबित किया है कि यूट्यूबर्स की ताकत क्या होती है। तो चलिए अब बात करते हैं सम फैक्ट्स अबाउट फुकरा इंसान। सो एक बार मिस्टर बीस्ट की हिंदी टीम ने उन्हें रीच आउट किया और बोला कि आप मिस्टर बीस्ट को प्रमोट करो और कुछ अमाउंट ले लो। तो वो तैयार हो गए और गोवा में अपनी टीम लेके चले गए। उन्होंने अपना वीडियो भी बना दिया और पैसे भी खर्च कर दिए। लेकिन आयरनी ये रही कि मिस्टर बीस्ट हिंदी की टीम अपनी बात से ही मुकर गई कि हमने कोई प्रमोशन नहीं दिया, जिस चक्कर में मिस्टर बीस्ट को इस चक्कर में अपनी हिंदी टीम चेंज करनी पड़ी। वैसे फुकरा इंसान एक सॉन्ग राइटर और सिंगर भी हैं,
देखा जाए तो वो एक कंप्लीट पैकेज हैं जिन्होंने आज अपने खुद के दम पर आज अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलेगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे यूट्यूबर की इंस्पायरिंग स्टोरी लेके। तब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि अब दुनिया बचाने भी तो जाना है।